नमस्कार दोस्तों, बबलू डेनी में आपका स्वागत है। और मैं शुक्रियादा करता हूँ कि बहुत दिन से मैं अपडेट नहीं था, 20 दिन से लगभग, तो फिर भी आप लोग ने मेरा वीडियो देखा, वॉच किया, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हमको कॉल भी करके कोई समझा कि भाई बबलू का तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया, क्या कि 20 दिन से वो अपडेट नहीं है। फिर भी मैं कुछ परेशानी में था, जो परेशानी टल गया है, कुछ है नहीं प्रॉब्लम, तो फिर से मैं अपडेट लिए आ गया हूँ। तो इस अपडेट में मैं ये दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑरेंज कलर, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ऑरेंज कलर एडेनियम नहीं होता होगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ऑरेंज कलर एडेनियम है। और आप ये देख स्टॉप तो देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, और ये जूम करके देखिएगा थोड़ा पास होके, तो आपको ये प्योर ऑरेंज आपको मतलब दिखेगा, ठीक है। इसमें ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो ये प्लांट मैं 2-3 साल से रखा हूँ, और इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करता हूँ, और जितना मैं बनता है इसका एक कोई भी पॉइंट, कोई भी डाल फेंकता नहीं हूँ, जो भी मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रेयर वैरायटी है और आसानी से मिलता भी नहीं है। और मेरे पास जो भी मैं एडेनियम रखता हूँ सब रेयर ही कलर का रखता हूँ। तो ये है बहुत अच्छा कलर, इसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं इसका कोड नंबर एम ऑरेंज करके रखा हूँ, ठीक है। एम ऑरेंज बोलिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये। तो लगभग मेरे पास 10-20 पेड़ तो बना ही दिया हूँ। और बहुत लोग का होता है कि बबलू एडेनियम कब सेल कीजिएगा या नहीं कीजिएगा या कैसे, तो मैं एक आप लोग को गाइड करता हूँ कि बारिश के टाइम में एडेनियम रिक्सेबल होता है, जिसके चलते मैं सभी लोगों को मना कर देता हूँ कि नहीं, बारिश में मैं नहीं दूंगा, और बारिश बीतने के बाद मैं दूंगा। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास ऑरेंज कुछ वैरायटी मतलब दिखा रहा हूँ कि जो मेरे पास नए ग्रुप में है, जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, शायद दुर्लभ चीज़ है, आसानी से नहीं मिलता। एक हो गया ऑरेंज, और ये भी ऑरेंज ही है, दोनों का कलर थोड़ा मतलब डिफरेंट हो रहा है, लेकिन दोनों सेम ही वैरायटी है, ठीक है, देख सकते हैं दोनों सेम वैरायटी है। तो ये हो गया ऑरेंज, और इसको तो आप जो लोग जानती होंगे, ये है इंडिगो ग्लेज, जो ब्लू कलर का ही होता है, नेवी ब्लू कलर, ठीक है। मेरे ड्रेस में भी मैच कीजिएगा तो इससे डार्क वो हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरा कलर है, ये बहुत ही बैगन का कलर है, जिसका जो बैगन का कलर होता है ना, वो भी वही कलर है, नेवी ब्लू, बैगन ब्लू इसको बोलते हैं। तो ये इसका नाम है इंडिगो ग्लेज। और तीसरा है, मतलब इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं बहुत दिन से इसको रखा हूँ, और कभी कभी ये लुप्त हो जाता है, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से इसका कटिंग लेके आता हूँ और फिर से डेवलप कर लेता हूँ। तो इसका भी आप कलर देख सकते हैं, ये चारों पट्टी पिंक है और बॉर्डर इसका वाइट है, ठीक है। तो इसका भी मैं नाम नहीं जानता हूँ, फिर भी एक बहुत ही सुंदर है, और गुच्छे में फूल खिलता, बहुत अच्छा खुलता है। बस तो यही था, मतलब कि मेरे पास एडेनियम थोड़ा प्रोसेसिंग में चल रहा है, लेकिन अभी मैं सेल स्टॉप किया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को बरसात में प्लांट मिले और आपके यहाँ जाके ख़राब हो जाए। तो जो ख़राब होगा मेरे यहाँ होगा, मैं लॉस सह लूँगा, लेकिन ऑडियंस के पास जाएगा प्लांट और उसके यहाँ ख़राब होगा तो मेरी बदनामी होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो जब तक बारिश है तब तक मैं स्टॉप किया हूँ। बारिश के बाद जो मेरे पास डेवलप होता है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का और अच्छा कंडीशन में होता है, उस वही मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ना कि जैसे तैसे आप कहीं से भी ऑर्डर दीजिएगा तो आपको गलत सही मिल जाएगा और फंगस हो जाएगा, फिर मर जाएगा प्लांट, तो नुकसान आप ही को झेलना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ हो, तो इसीलिए मैं अभी स्टॉप किया हूँ। बारिश के बाद जैसे सितंबर का लास्ट होगा तो उस वक्त मैं ओपन कर दूंगा, जो जो मेरे पास होगा प्रोडक्शन अच्छा लोग आप लोग ले सकते हैं। ऑडियंस को मैं कुछ लोगों को बोल चुका हूँ कि भाई अभी मैं नहीं दूंगा। तो बस इतना ही था बात, और इतना मैं अपनी बातों को स्टॉप करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिस तरह आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा, बिल्कुल अपना कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत गार्डनिंग के मामले में, एडेनियम के मामले में, एनी वर मतलब प्राकृतिक के मामले में, ठीक है, नेचर जो भी होता है, मुझे बहुत प्रेम होता है, मैं बहुत जगह जाता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।